हम राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय अधिकरण केंद्र की स्थापना करेंगे। अधिकरण और अपीलकर्ता के बीच में होने वाला सारा पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक होगा। जहां व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत पड़ती है वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। को क्रेडिट लेने में मुश्किल आती है, विशेषकर जब अनिवासी भारतीय भारत लौटते हैं तो उनके विदेशी सेवानिवृत्ति खातों को उन्हें प्रोद्भूत आय को लेकर उनके कुछ सरोकार होते हैं। अब आती हूँ लेखा परीक्षा से छूट के बारे में। वर्तमान में यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको अपने खातों की लेखा परीक्षा करानी होती है। फरवरी 2020 के बजट में मैंने उन लोगों के लिए कर लेखा परीक्षा की सीमा को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाई थी जो अपने 95% लेन देन डिजिटल आधार पर करते हैं। डिजिटल लेन देन को और अधिक बढ़ावा देने और कर अनुपालना बोझ कम करने के लिए मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कर लेखा परीक्षा की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। लाभांश के लिए राहत। पिछले बजट में मैंने निवेश को बढ़ावा देने के लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया था। लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर दे बना दिया था। अब कर अनुपालन की सुगमता के लिए मैं RIIT इनविट में लाभांश के भुगतान को स्रोत पर कटौती से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त चूंकि अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए शेयर धारकों द्वारा लाभांश आय की राशि का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मैं ये प्रावधान करने का प्रस्ताव करती हूँ कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश की घोषणा उसके भुगतान के बाद ही उत्पन्न होगी। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए मैं लाभांश आय पर कमतर सुलह दर पर कर की कटौती का प्रस्ताव करती हूँ। अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित बनाना। पिछले बजट में अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड्स को भारतीय अवसंरचना में निवेश में होने वाली उनकी आमदनी पर कतिपय शर्तों के अधीन 100% कर छूट दी थी। हमने ये पाया कि ऐसी कुछ निधियां इनमें से कुछ शर्तों को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी संख्या में फंड्स भारत में निवेश करें, मैं प्राइवेट निधियन पर निषेध, व्यावसायिक गतिविधियों और अवसंरचना पर प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध से संबंधित इनमें कुछ शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव करती हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड जारी करके अवसंरचना के वित्त पोषण की अनुमति देने के लिए मैं अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधियों को इस बात के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। किफायती आवास या किराया आवास, ये सरकार सभी के लिए आवास और किफायती आवास को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में देखती है। पिछले बजट में मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि तक ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया था। इस कटौती की पात्रता को एक और वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इस तरह 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती किफायती आवास खरीदने के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए लिए गए ऋणों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा किफायती आवास की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि किफायती आवास परियोजनाएं और एक वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक कर अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती किराए के आवास की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं अधिसूचित किफायती किराया आवास परियोजनाओं के लिए कर में छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ।
जैसा कि मैंने इस भाषण के भाग के में उल्लेख किया, सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र को IGFT के एक वैश्विक वित्तीय हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले से दिए गए प्रोत्साहनों के अलावा मैं अन्य बातों के साथ साथ एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों की आय से पूंजी लाभ के लिए कर अवकाश विदेशी पट्टाकर्ताओं को दिए गए एयरक्राफ्ट पट्टा किराया के लिए कर छूट IFSC में विदेशी निधियां ले जाने के लिए कर प्रोत्साहन और IFSC में स्थित विदेशी बैंकों के निवेश प्रभाव को कर छूट की अनुमति शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ।